आज प्लेन तुम्हारा भाई उड़ाएगा। वेलकम टू द फ्लाइंग बेस। यहाँ से उड़ेगा, ये पीछे हेलीकॉप्टर, इसकी सर्विस हो रही है इस वक्त। गाइज हमारा लोगों की गाड़ियाँ फंस गई, हमारा हेलीकॉप्टर फंस गया। तो इसमें कौन सा फ्यूल डलता है? एविएशन टरबाइन फ्यूल। अच्छा, और क्या प्राइस होता है उसका फ्यूल का? 56 to 62 rupees per liter। अच्छा, और कितने लीटर आता है एक बार में इसमें? 960 पाउंड लेता है, मतलब आधा मान ले तो 450-450 लीटर के आसपास। और क्या एवरेज है इसकी? बीइंग अ इंडियन, तो हम तो लोग पूछेंगे मिडिल क्लास मेंटालिटी हमारी कितनी देती है? 200 liters पर आवर, एक घंटे का 330 पाउंड है, वैसे 200 लीटर अप्रॉक्स। 200 लीटर मतलब एक घंटे में लगभग मोटा मोटा 12,000 रुपए का खर्च हो जाता है। 200 किलोमीटर फ्लाई कर लेता है तो 200 किलोमीटर उड़ जाता है ये 12,000 रुपए में। हाँ, मतलब सिर्फ फ्यूल कॉस्ट बता दो। फ्यूल कॉस्ट। और वैसे कितने का प्राइस आता है ये? ब्रांड न्यू, अभी ये मॉडल आपको ब्रांड न्यू में दूसरे एडवांस वर्जन में मिलेगा, वो 27 to 28 crore मिलेगा। करोड़ का है? और ये कितने करोड़ का था जब आया था ये मार्केट में? तब ये आई थिंक 22। और ये कितना पुराना है वैसे? ये है 2007 मॉडल है। तो ये बन नहीं हो अब तक, मतलब 10 साल की वैरायटी होती है डीजल इंजन की, वैसे ही नहीं है इसकी। इनकी वैलिडिटी क्या रहती है? वैरायटीज मिलते रहते हैं, जैसे वैगनार है, वैगनार का एडवांस वर्जन है, मतलब जैसे इसकी भी तो लाइफ होगी जैसे गाड़ी की डीजल की 10 साल शेड्यूल होता रहता है ना। अच्छा, मेंटेनेंस। हां, इसका हर समय बात है, इंजन ओवरहॉल के लिए जाता है सब कुछ, तो ये 0-0 आवर्स हो जाता है। इसकी सर्विस कितनी कॉस्ट करती है? किसका पूरा सर्विस कराओ तो? पूरी सर्विसिंग कराओगे तो महंगा पड़ जाएगा, 3-4 lakh रुपए करोड़ में जाता है सर्विसिंग का। करोड़ में जाता है? इंजन का जाता है, ओवरऑल के लिए तो इंजन का ओवरऑल 1 crore से भी ज्यादा लगता है। 1 crore ज्यादा लगता है ओवरऑल का? हां, पूरा इंजन जाता है। तो आपको पता है इंडिया में कभी कहीं भी एयरक्राफ्ट का इंजन नहीं बनता है, पता है रीजन क्या? बाहर जाता है ना। वो मूवी देखी हो कभी आपका, ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए जाता है अमेरिकन वाला, उनका हॉक गिर जाता है तो उनको वो उड़ा के लेके आता है, उड़ा देता है मतलब उसको इंजन को, और वो तो बम से उड़ा देते हैं, क्यों करते हैं। इंजन का मेटलर्जी आज तक इंडिया में मिला नहीं है, तो इंडिया में इंजन का ओवरऑलिंग नहीं होता, आपको बाहर ही भेजना पड़ेगा। ओके, तो इसका ओवरऑलिंग के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। तो ये कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में जब उनका चॉपर खराब हो गया था तो उसके इंजन को उन्होंने बम से उड़ा दिया था कि उनको पता लगे, एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया था ताकि मेटलर्जी उसका लीक आउट नहीं हो कि कौन सा मेटल है इसमें। जी हाँ। तो बाहर जाता है, कितना टाइम लेके आता है ये इसको? डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, क्योंकि वो लोग हमारे इंडिया जैसा नहीं है कि सैटरडे संडे को भी काम कर लें, तो उनका ये लमसम आप समझ लो महीना डेढ़ महीना पकड़ लेगा। और कितने फ्लाइंग आवर्स एक बार में ओवरहॉल करके चलता है ये? इसका इंजन का ओवरऑल 2500 है ना? 2000 फ्लाइंग आवर्स। 2000 फ्लाइंग आवर्स, इतना होते होते आपका 5 साल लग जाएगा। अच्छा, 5 साल लग जाता है, बाकी उस बीच में छोटे छोटे मेंटेनेंस होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, जैसे आप लोग गाड़ी की सर्विसिंग करते हो इतने घंटे पे, इतने किलोमीटर चलने पे, वैसे ही इसका भी है। ओके, बस इसका ही है घंटे पे। 25 घंटा है, 50 घंटे। अच्छा। 100 घंटे है, 150 घंटे है, तो ये सारे पे जो है ना आपका इंजीनियर प्रॉपर इसको थोड़ो चेक करता है, उसके फिल्टर चेंज होते हैं, उसके पैकिंग चेंज होते हैं आगे तक। सो दिस इज आवर फर्स्ट बेबी, इट इज विक्टर टैंगो, विक्टर पापा ब्रावो। इट्स अ 4-seater मल्टी इंजन Technam P200060 Italian aircraft. Okay. It is brand new aircraft, and this will be used for charters, for trainings, for commutation. Can fly 1500 kilometer in one go. In one go. In how much fuel? In 450 liter of fuel, and fuel is 96 octane. जो हम high speed fuel हमें मिलता है ना petrol pumps पे, it is that fuel. It is 1300 cc Boxster engine made in Austria. And it is like a multi-engine. This is called propeller. This is propeller hub, engine vent, fuel. जो fuel tank होता है जहाज में वो wings के अंदर होता है। So जितने भी दुनिया में जहाज होते हैं उसमें majorly सब में जो 99% जो fuel tank होता है वो wings के अंदर होता है। मतलब 4 kilometer की average है इसकी? 4 kilometer की होगी, इतनी होगी। हाँ। Well, I will be able to fit. हाँ हाँ, क्यों नहीं? एक करोड़ बरग में बैठ जाना है। एयरक्राफ्ट दिस इज जायरो होराइजन, इट इज ब्लू इज द स्काई, ब्राउन इज द अर्थ, ऑल्टीमीटर इट शोज द हाइट एंड ये 1 is 1 kilometer बेसिकली, ठीक है ना? ये पूरा घूमते रहता है 1000 feet बेसिकली, ये हाइट बताता है।
इसको बोलते हैं CDI, कोर्स डिविएशन इंडिकेटर। ओके ठीक है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर है, ये एयरक्राफ्ट है हमारा और ये स्टेबिलिटी शो करता है इसका। अच्छा ठीक है ना, इट इज HSI हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर। ओके ठीक है ना, और ये हमारा हो गया वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर एंड दिस इज अगेन द सेम इंस्ट्रूमेंट, इट इज CDI कोर्स डिविएशन इंडिकेटर। ये सारी पैनल जो है कम्युनिकेशन नेविगेशन पैनल्स है, ये कंट्रोल व्हील बोलते हैं इसको, ठीक है ना, दिस इज कंट्रोल व्हील, दिस इज ट्रिम एंड दिस इज थ्रॉटल, स्पीड जो होती है जहाज की इससे होती है। दिस इज फॉर बोथ द इंजन्स। हां फॉर बोथ द इंजन्स, वन इंजन टू इंजन, वन इंजन टू इंजन, वन इंजन टू इंजन। ओके दिस इज व्हाट इज द थिंग इज